अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज जी वीडियो का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारी सिचुएशन और बच्चे भी दिखाएंगे। आज आपको नुकसान हो गया है वो भी दिखाते हैं आपको। ये जी दोस्तों, इनका डॉग फूड हमने भिगो के रखा हुआ था और उसको बिल्कुल ऐसे मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद जो है ना, इसके अंदर ये सिरी लैग है हमारे पास, ये सिरी लैग डालते हैं तकरीबन 2 चम्मच और ये इनको हम डेली अब खिला रहे हैं। 4 बच्चे रह गए, एक बच्चा जो है लास्ट कल एक्सपायर हुआ, वो भी उसको प्रॉब्लम इधर एक मसला बन गया था हमारे लिए कि हमारे यहाँ वो छिपकली आ गई थी जिसने छिपकली ने बच्चों को काटना शुरू कर दिया। हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि ये क्या इशू हो गया। कल हमने रात सारी ढूंढ के पर छिपकली को मारा। अभी 3 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इस बच्चे को भी उसने ये टांग के ऊपर काटा है, इसकी ये वाली टांग जो है ना वो अभी काम नहीं कर रही सही। ट्रीटमेंट तो किया हमने, दवाई सवाई दी है इसको, देखते हैं बाकी अभी तक ये एक्टिव है। दूसरा तो पूरा काला हो गया था जिसको उसने काटा है। छिपकली भी हमने ये शॉपर के अंदर रखी हुई है बंद करके। बच्चा जो है वो हमने ये इस बैग के अंदर डाला हुआ है अभी, क्योंकि रात को लेट नाइट हुआ था, इसको बाद में भी जाके दफनाएंगे। बाकी जो पपीज 3 है वो तो बिल्कुल ठीक है, चल चल भी सही रहे हैं बिल्कुल A1 करके, लेकिन मसला जो बच गए थे उनको बेचारों को छिपकली ख़राब कर गई है। अभी हम आपको इनको खाना खिला कर दिखाते हैं खाना ये किस तरह खा रहे हैं और क्या चक्कर है। बाकी अब थोड़े थोड़े चलने लग गए हैं, तकरीबन ये कोई 19-20 दिनों के हो चुके हैं। ये जी सिरिलैक इसके अंदर मिक्स कर दिया हमने, ये रात का भिगाया होता है तो ये ठंडा हो गया होता है, तो गर्म करने के लिए हमने मॉस रखा हुआ। ये जी खाना हमारा रेडी हो चुका है, अब हम एक करके इनको खिलाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले इसको खिलाते हैं। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा शैतान है, तो ये जी स्टार्ट हो गया हमारा खाना। जिस तरह बड़े होते जा रहे हैं खाना भी ज़्यादा तेज शुरू हो गया इनका। उनको भी पता लग गया खाना मिलने लग गया, तो वो भी ये जी अभी तक ये फीडिंग कर रहा है। बस करो, तुम्हें भी दे दो, वेट वेट बस 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 बस। ये देखें जी कैसे पेट भर लिया इसने। अभी हम दूसरे को निकालते हैं। ये देखें जी इसकी आंखों का भी मसला था, इसकी आंखों के ऊपर ना वो आ जाता है, बहुत मुश्किल है जी, हद से ज़्यादा मुश्किल है जी पपीज पालना खुद से। मदर फीड कोई उसका वो नहीं है। देखें अब खड़े भी होने लग गए हैं थोड़े थोड़े और खाने भी लग गए। हमने अपनी पूरी ट्राई रखी है पूरे 20 दिनों तक, लेकिन इनको
बचाना जो है ना वो बहुत बड़ा एक मिशन है। इस मिशन में हम एक के मुंह पे थोड़ा सा रिलैक्स लगा हुआ था, सारे शुरू हो गए उसको ही चाट रहे हैं। वो देखें जी, इसके मुंह के ऊपर से उसने सिरिलैक और डॉग फूड चाट दिया। छिपकली ने कल बहुत हमें नुकसान दिया जी, हमारे दो बच्चों को काट गया और एक ये वाले को। अब अल्लाह करे कि इसको कुछ हो ना, क्योंकि दूसरा तो वो जो छोटा था सबसे, आप लोगों ने देखा भी होगा पुरानी वीडियोस में, उसको काटा है और वो नहीं, उसके सब सब कुछ हमें तो पहले समझ ही नहीं आई कि कौन है क्या हो रहा है ये। वो तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने कल ढूंढी है कि वो तो छिपकली है जो काम डाल रही है। इसको मैंने कोई मेडिसिन तो दी है, टांग उसकी कल से थोड़ी सी बेहतर लग रही है मुझे, लेकिन अभी तक वो वाली सिस्टम नहीं बना जो बनना चाहिए था। बारह बच्चे खाना शाना तो खा रहे हैं, किस्मत में हुए सब चल गया सीधा तो सही है। इसकी आंखों में भी थोड़ी सी एलर्जी हुई है, इसको भी हम ड्रॉप भी देंगे, वो भी आपको दिखाते हैं ड्रॉप कि हम ड्रॉप कौन से आंखों में डाल रहे हैं, डॉक्टर ने बताया है। सबर सबर सबर, आएगी बारी तुम्हारी भी। ये पेट भर लिया इसने, कल से खाना और ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो दो बच्चों ने खाना अच्छे तरीके से रगड़ लिया। आ जाओ। मेरा सबसे फेवरेट पपी क्या हो गया? क्या मसला है? ये जब खाना खा लेते हैं कांपने लग जाते हैं। इस ब्रीडिंग इस वाले ब्रीडिंग लीटर में नुकसान के अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ, फायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान। फायदा यही था कि हमारे पास कोई अच्छी पपीज आ जाते हैं। ये भी फीडिंग जो है ये मदर फीड का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकती। बहरहाल अब देखते हैं क्या बनता है, जब तक ये प्रॉपर खुद सही वाले खाने नहीं लग जाएंगे, जब मैं बर्तन अंदर रखूँ खाने नहीं लग, तब तक इनका डाउट ही है। उनके साइज भी थोड़े से ना अभी तक बड़े, इतने बड़े नहीं हुए, छोटे साइज हैं, बड़े होने चाहिए थे। ऐसे इसको फंसा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने भी तुल के खा लिया। अच्छा जी, अब ये रह गया जी, ये वाली टांग है इसकी, जिस पे ये नीचे यहाँ काटा उसने, यहाँ ये थोड़ी सी स्वेल भी हुई है। बहरहाल हम इसको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करा रहे हैं साथ साथ, मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं। अभी तक तो बेहतर लग रहा है खाना, क्योंकि खाना नहीं छोड़ा इसने, तो अगर खाना नहीं छोड़ेगा तो सही रहेगा। ये जी सबको फीड करा दिया हमने। ये जी इसकी आईज थोड़ी खराब है, तो इसको ये हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं ताकि ये आंखें इसकी ठीक हो जाएं। आंखें क्या ठीक होनी है इसको, ये समझ नहीं आ रही, तो सफेद हो गई है, अंधा ही ना हो जाए अंधा तो ये नहीं बन के बनना है। खोलो 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 खोलो, शाबाश। ये ना इसके आगे कुछ आया हुआ है। ये जी दोस्तों खाना डालने के लिए भाई वाले पपी को, ये डॉग फूड डाला है जी इसके अंदर,
बाकी ये राइस और चिकन जो हमने पकाया हुआ होता है वो डालते हैं। ये ऐसे बर्तन बना लेते हैं इसका। हो गया जी। बसंती बसंती जो है फुल भूखी हुई है खाने की। ये इसका खाना रख दिया हमने और ये स्टार्ट हो गई। बसंती को दो टाइम खाना दे रहे हैं इसको। पानी उठा ले, पानी ताज़ा कर दे। बहुत सख्त हवा चल रही है जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। हाँ तूफान आ रहा है। हाँ हवा तो तूफानी है। ये जी अल्लाह करे, उम्मीद तो यही है कि बच्चे सारे सही रहें और इस तरह बड़े हों। ऐसे ये बड़ी है, बाकी देखते हैं अब हमारी किस्मत कहाँ तक साथ दे रही है। हमारी आधी किस्मत तो अभी प्रोग्राम हमारा तो ख़राब कर दिए छिपकली ने, वरना दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे। दूसरा भी हल्का सा कल से डाउन है, लेकिन देखते हैं अल्लाह करे इसकी टांग सेट हो जाए, क्योंकि दूसरे को तो जहर फैल गया हुआ था, उसको शायद किसी और जगह काटा हो, लेकिन इसको तो टांग पे काटा हुआ है तो मसला हो रहा है ज़्यादा। बाकी ये देखें जी, ये दोस्तों ये अपना खाना जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर की है। ये लो जो दो चार दाने डॉग फूड के नहीं खाए जा रहे ऐसे। सिट, इधर आओ, ये खा लो, फिनिश करो, ये फिनिश करो, ये रहा। शाबाश। वो पानी मैंने वहाँ रखवा दिया तुम्हारा, ये इसके ऊपर भी बैठ जाती है जी। ये तो वो पेटी के ऊपर भी चढ़ जाती है जी, ऐसी कोई निंजा टर्टल किस्म की फीमेल है ये। बाकी कलर शलर ज़्यादा अच्छी, मार्किंग जो है अच्छी बनती जा रही है। शाबाश, खाली हो गया। समझ रही थी कि शायद इसमें अभी भी खाना है, लेकिन खाना शाना कोई नहीं है उसमें। ओ मुझे क्यों चिपक रही है, मेरे कपड़े सारे गंदे कर दिए तूने, अभी पहने थे मैंने। चलो बहरहाल कोई नहीं, आ जाओ आओ, इधर आओ, बाहर देखें। आ जाओ, हाँ बाहर आ जाओ। ये जी डर उतार रहे हैं इसका, क्योंकि बाज़ कुत्ते होते हैं हमारे कि वो छत से डरते हैं, इसको हम छत से डर इसका ख़त्म कर रहे हैं फिर, कि इसका जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए। आ जाओ आओ, इधर खड़ी हो, इधर आओ यहाँ पर। चल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।